जो भाई जान है आप आउंड रहे तो आप देख सकते हो। तो ये देखने पानी बहुत ये अभी यहाँ पे जो हड्डियाँ आपको पहले भी मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया कि हड्डियाँ भी यहाँ पे आते हैं। तो ये हेलो एवरीवन गाइस वेलकम बैक करता हूँ आपको मेरे न्यू व्लॉग पे। तो गाइस मैं अभी सालदरे और मॉर्निंग के टाइम पे आपको व्यू मैं इस व्लॉग में दिखाऊँगा। तो गाइस अभी हो रहे हैं 7:30, तो यहाँ से हम व्यू देखते हैं कि क्या व्यू है वो आपको विजिट कराते हैं इस वीडियो में। तो गाइस ये आश्रम जो सालदरा धाम है वो हिंदुओं का सबसे बड़ा धाम है, वो आज आपको मॉर्निंग के टाइम विजिट कराता हूँ और उसके बाद मैं अपने शहर सलामकोट चला जाऊँगा। और फाइनली गाइस यहाँ से देखें आप मॉर्निंग के टाइम और जो इस लोगों की जो रस है भाई देखें सकते हैं आप, देखो कितनी भाई रस है, कसम माँ की इतनी रस है। और ये शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ पे देखो रस भी, देखो यहाँ पे औरतें भी साथ में और महर्ज भी साथ में हैं। और ये जो पानी गंगा का पानी जैसा है यहाँ पे जो हड्डियाँ है वो उतारते हैं और जो लोग स्नान भी करते हैं वो है। तो मैं ऊपर हूँ और नीचे चलते हैं, वो आपको विज़िट कराएंगे, मैं आपको विज़िट कराऊंगा। सही है गाइस, तो देखते हैं कि अभी हो रहे हैं तकरीबन, तो अभी ना यार वो हमारे फ़ोन की इतनी रिज़ल्ट बेहतरीन नहीं है, उस वजह से मैं जो नज़र आ रहा हो थोड़ा कम नज़र आ रहा है ना लोगों की रस। तो गाइस फिर इस वीडियो को वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे बनाते हैं और एकदम मस्त भाई मज़ा है। और ये नाइट का टाइम मैंने व्लॉग बनाया है वो आपको फर्स्टली मैं दे दूंगा। सही है, तो ये मॉर्निंग के टाइम और उसके बाद ये गाइस मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊंगा और जो थोड़ा सा काम भी है और बाइक भी एक दूसरे भाई की थी मैं ले के आया हूँ तो उनको वापस देनी भी है, वो अपने जॉब पे जाएगा। तो गाइस देखो ना बहुत यहाँ पे रस है और मार्केट यहाँ पे आप खाना रोटी खाना होता ना वो भी आप खा सकते हो, यहाँ पे होटलें हैं एंड ये अदर जो भी है खिलौने हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये संत जो सालदरा है ये तकरीबन 3-4 दिन इसका जो मेला होता है और जो यहाँ पे लोग आते हैं वो तकरीबन पंजाब से सरहद से वहाँ से आते हैं यहाँ पे ज्यारत करने के लिए। और यहाँ पे जो मंदिर ये जो धाम है इस दिन मनाते क्यों है वो आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन ये मेला स्टार्ट होता है, उससे पहले एक दिन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद 3 दिन चलता है ये मंदिर जो मेला है वो। और हम वहाँ पे जो भी चलेंगे वहाँ पे आपको विज़िट कराते हैं। तो चलते हैं नीचे की तरफ, ये शिव का मंदिर है। तो यहाँ पे देखें रस बहुत है और बहुत रस है और नीचे चलते हैं, वहाँ पे तो बहुत रस होगी भाई आपको पता है। और जो वहाँ पे भी चलते हैं तो गाइस आप ना यहाँ इस वीडियो पे जुड़े रहें और आकर देखें कि क्या मज़ा होने वाला है आगे। तो गाइस चलते हैं नीचे की तरफ, जो पाक पानी है वहाँ पे भाई जान सारे लोग यहाँ पे अपने हाथ पांव और ये भाई देखो ये नहा रहा है इस पानी के अंदर। तो और भी भाई नहा के तैयार हो गए हैं और ये देखो भाई कितनी ठुबियाँ मार रहे हैं, ठुबियाँ मार रहा है भाई, ये देखो सारे भाई यहाँ पे और बहनें भी यहाँ पे सारे हैं अपने हाथ पांव धो के। तो गाइस ये है पानी, पाक पानी होता है और तो बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं और अपना हाथ पांव धो के, यहाँ से जो भी बंदा आता है वो अपना पांव धो के फिर शिव के जो मंदिर है वहाँ पे जाता है। सही है, तो फर्स्टली आप भी आए तो यहाँ पे पांव अपने धो के धुलाई करके फिर आपको जाना है शिव के मंदिर अंदर एंटर होना है। सही है, कोई जो लोग होते नहीं करते हैं तो चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर अपनी सफाई के लिए ये पानी होना सही। जो भाई जान है आप पांव धो रहे हैं तो आप देख सकते हो।
तो ये देखने पानी बहुत, ये अभी यहाँ पे जो हड्डियाँ हैं आपको पहले भी मैंने इंट्रोड्यूस करा लिया कि हड्डियाँ भी यहाँ पे तारते हैं। तो ये देखो ना पानी के जो ख़राब पानी है ना जिस पे गंद है ना, तो ये पानी ख़राब नहीं है, सही है, ख़राब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हड्डियाँ तो उसमें फूल होते हैं, देखो आप फूल भी देख रहे हो यहाँ पे फूल, तो ये फूल भी होते हैं, उस वजह से ये जो पानी है ना थोड़ा अजीब किस्म का देखने में आ रहा है। और जब बरसात वर्षकारी की मूंद जब आती है मौसम, तब यह बहुत एकदम मस्त बनता है, जब हमारी 14 अगस्त जब आती है तब पानी, तब आपको लोग मैं इसका बनाऊंगा, फिर आप देख सकते देखें कि कितना खूबसूरत बनेगा, सही है। तो ये आज का है व्यू, तो अभी चलते हैं मार्केट की साइड, और इसका व्लॉग आज यही है, तो मार्केट की साइड चलते हैं, मार्केट साइड ही हम देखते हैं। लोग बहुत लोग आए हैं, देखो सही भाई बहुत लोग आए हैं, और यहाँ पे जो भी औरतें भी आए हैं, जो भी हैं अपने माँ बहन हैं वो भी आए हैं यहाँ पे, सारे अपने हाथ पाँव धो के। तो गाइस यहाँ पे देखो ये पत्थर का पानी है, और यहाँ पे हिस्ट्री हिंदी में हिस्ट्री भी है, ये मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आती मुझे, तो गाइस और आज हम चलते हैं ऊपर, फिर हम ऊपर चलते हैं शिव के मंदिर के दर्शन करते हैं। ये है शिव शंकर भगवान का जो मंदिर, और इसके अंदर हम नहीं चलते अभी, क्योंकि अंदर इसलिए नहीं चलते क्योंकि अभी बहुत रश है, और रश ख़त्म हो जाए फिर हम जाएंगे अंदर, मगर हमारे टाइम भी कम है, हमें हमारा यहाँ से दूर तकरीबन हमारे सलामगढ़ शहर आपको 100 किलोमीटर दूर है, तो हम पहुँच नहीं सकते। और इसके व्यू देखते हैं जो आउटसाइड, और यहाँ से लोग देख रहे हैं, और अपने चैंपल ला के अंदर चलते हैं, और यार यार अंदर चलते हैं, और ये व्यू है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से व्यू एकदम मस्त आ रहा है भाई, एकदम मस्त व्यू आ रहा है ऊपर से। मैंने जब मेरे को आना था पहले बार, मगर क्या करेंगे यार ऊपर से मैंने कहा कि कोई कहना दे तो कोई कहेगा यार वीडियो क्यों बना रहा है, तो यहाँ पे कोई नहीं कहेगा आपको वीडियो बनाने में, मगर गलत भी बनी है सही है, तो अब अच्छे से धाम के लिए आए तो वीडियो बना सकते हो आप, और गलत हर किसी की माँ बहन है। तो ये देखो ना ऊपर से भाई सेल्फी निकाल रहे हैं, और ये व्यू है, अंदर के व्यू देखते हैं। अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि पता है बहुत रश है, उस वजह से मैं नहीं जा सकता हूं अंदर। तो गाइस नीचे चलते हैं मार्केट की साइड, मार्केट की साइड विज़िट कराते हैं आपको, तो मार्केट की साइड विज़िट करने के बाद फिर आते हैं यहां पे, तो फिर रश कम हो जाएगी, फिर हम आपको अंदर जो मंदिर का व्यू है वो आपको विज़िट कराएँगे, सही है। तो मार्केट की साइड चलते हैं गाइस, ये है मार्केट का व्यू, और बहुत लोग आए हैं भाई, रात तो बहुत लोग थे, अभी तो चले गए हैं, तो आपको पता है कि अभी 7 बन रहे हैं, तो लोग जो वो दूर से आए थे वो चले गए हैं, और फिर अंदर चलते हैं मार्केट की साइड। यहाँ पे देखें ये होटलें भी हैं, होटलें भी हैं आप देख रहे हो, तो आप दूर से आए तो आपको खाने के लिए भूख लग जाए तो आप ना यहाँ पे रोटी खा सकते हो, और ये देखो इसको मुझे पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, और यहाँ पे दुकानें भी है, और चाय भी है आपको पीना है तो चाय। गाइस ये देखें चाय का भी बंदोबस्त जैसे भाई ने की किया है, चाय का भी बंदोबस्त है यहाँ पे, चाय भी आप पी सकते हो। पे पहुँच गए हैं सालधरा धाम, वहाँ पे छोड़ दिया। तो गाइस देखें कितनी यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, तकरीबन आप गाड़ी देख रहे हैं, ये सारे गाड़ियाँ पंजाब सरेद केपी के सिंध वहाँ से आए हैं, सही है, और यहाँ से जो कल जा रहे हैं वो सारे नंगर पार करके हैं, और जो पाड़ीसरी गांव है उन्हें के हैं, तो गाड़ियाँ देखो आप कितनी रस है। मेरा अंदाज़ा मैं एक लगा सकता हूँ कि जो लोगों का तकरीबन 1 करोड़ यहाँ पे दुनिया आई थी, 1 करोड़ दुनिया,
जिसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम हिंदुओं का दाम है, तो हिंदुओं तो आए और मुस्लिम भी आए थे बहुत भाई। तो गाइज़ आज मेरे दोस्त भी मिल गए हैं तीनों। तो अब अपन के पास गाड़ी एक है, तो क्या करते हैं देखते हैं। और लोग तो अभी आ रहे हैं भाई, जा रहे हैं आ रहे हैं। और तो गाइज़ इस वीडियो को करते हैं एंड यहाँ पे, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और भाई आप सपोर्ट करते रहें मेरी, और आपको बहुत बताएँ अच्छे अच्छे जो धाम हैं, हिंदू धाम हैं जो पाकिस्तान में है, वो आपको विजिट कराता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।